भाई ये मेरी एक्टिवा 5G और इसमें कुछ एसेसरी लगवाने आ रहे हैं। पहली एसेसरी तो मैंने ऐसी लगा रखी थी, फ्लिप की, बढ़िया लगती है। 300 से 400 रुपये में लग जाती है ये, और बढ़िया ये गिरिंग अलग है, सिर्फ फ्लिप की है, ये बहुत बढ़िया लगती है। दूसरा हम इसकी वाइजर चेंज करवाने जा रहे हैं, और दो तीन चीज़ें देखते हैं, वहीं चल के बताते हैं क्या क्या लगवाएंगे, क्योंकि प्लान तो उसके बाद बहुत है। और अभी ये वीडियो इतनी जल्दी नहीं खत्म हो रही, बहुत एसेसरी लगवानी है इसमें, और पार्ट्स में भी आएंगे बहुत सारी वीडियो। चलिए चलते हैं। तो लग रही है अपने फॉग लाइट, एक ही लगा, लॉक खोल दीजिए ना। हाँ लॉक खोल दीजिए, लॉक लॉक, एक सेकंड। ये कितने का था? 110 110। और इसमें एक स्विच लग रहा है जी, ये था 60 रुपये का। लॉक लीजिए आप, लॉक खोल देते हैं, एक तो भैया लगा रहे, खोल दिए, सीट कवर देख लेते हैं। ये वाला 490 का है, आपको 490 का नहीं पड़ेगा, आपको पड़ेगा एक लास्ट डेट बिना बार्गेनिंग के 430 रुपये का। ये पड़ेगा 350 रुपये का, ये भी नहीं है। एक साल की इसकी गारंटी होगी, दो साल की इसकी। ये हाई बोर का कपड़ा होगा, फटेगा दोनों में कोई नहीं, लेकिन ये बहुत ऊपर होगा। ये वाला भी नहीं फटेगा, नहीं इसका नहीं फटेगा, TLD नहीं फटेगा, एक साल की गारंटी होगी। जब 350 रुपये खर्चा कर रहे हैं, 70 रुपये और कम ही मत देखिए, सब गाड़ियों में लगा रहे हैं। 500 रुपये का, ये भी 500 का लगाया, ये भी 500 का लगा रहे हैं। आपने फ़ोन पर रेट लिया तो 430 रुपये दे दीजिएगा, 400 लगा दीजिए, तो लगवाएँ, छुपा के पैसे दीजिएगा, कुछ सामने देखेंगे। वह अपनी सीट निकल गई है, यहाँ पे आ गई, कुछ ऐसा चलता है, सब निकल रहा है, कपड़ा रखता है, देखते हैं। ये अपनी सीट है, इस पर कौन सा कलर लगवाएंगे वो देखते हैं। एक ब्राउन है भैया दिखा रहे हैं, ये ब्राउन है, और कोई है? किसी का ब्राउन होगा, दिखाइएगा। ये कलर है भाई, ब्राउन है भी, ठीक है बड़े भाई, ठीक है ठीक। तो भाई अपनी सीट एकदम खुल चुकी है, ये सीट है ना सिर्फ हमारी, कोई कवर नहीं है इसके ऊपर। और इस पर ये वाला चढ़ो, आज ये वाला चढ़ा है ना। हाँ यहाँ और भैया काम करते हैं। अरे उसके हो गया भैया, क्लिप लग गई मतलब। हाँ इसी के ऊपर टिक जाएगी वो। हाँ जो काम दिवाड़ी है थोड़ा टाइम देना पड़ता है। हाँ हाँ दिवाड़ करना पड़ता है ना। ठीक ठीक। तो भाई अपना सीट कवर लग रहा है, और इसके 18 महीने की गारंटी है, देखते हैं लग रहेगा। हाँ मतलब वो ढांचे में लग गई, ढांचे में लग गई अपनी फॉग लैंप, और लग गया काम हो रहा है। तो अपना वाइजर चेंज हो रहा है, वाइजर खुल गया, इसके ढांचे में तो ये लग गया है, बट वाइजर खुल गया, अपना वाइजर भी खुल गया, ऐसी लग रही है। स्कूटी लगी नहीं रही है, अपना सीट कवर ऑलमोस्ट लग चुका है, और यहाँ पे बढ़िया सुन रहा है, यहाँ पे बैठे, और यहाँ पे अपना ऑक्सिलरी मतलब भाई ये वाली जो लाइट होती है फॉग लैंप, वो भी लग गई है। लाइट में लगाया कर रहे हैं, और वाइजर भी चेंज करने, पुराना वाइजर ही है ना, नया वाइजर उस बैग में रखा है, तो वो भी लगवा रहे हैं। बस अब करा है, मैं आपको आगे बताऊँ। तो भाई काम तो अपना फिनिशिंग वाला हो गया, बहुत बढ़िया कलर आ रहा है, बहुत बढ़िया वो आ रही है, फिटिंग होगी बस। तो भाई लगने जा रही है अपनी सीट अब, भी बढ़िया तरीके से, और यहाँ पे लग रही है सीट, बहुत ही बढ़िया लग रही है, फिटिंग बहुत अच्छी है, फिट हो जाएगी फीचर्स। और यहाँ पे अपना वाइज़र वाला काम चला, नया वाइज़र लग रहा है, मतलब पुराना खोल गया, नया ही कहीं पड़ा उसमें लग रहा है, और ऑक्सिलरी मतलब या फिर फॉग लैंप का ठीक है, जब मैंने ले ली यूनिट है तो कहीं पर कैसे चलता है भाई, कंट्रोल पूरा दिख रहा है। और यहाँ भाई अपना फिटिंग करा, फिटिंग करने बाद में आपको दिखाता हूँ। तो भाई लग गई अपनी सीट, बढ़िया लग रही है एकदम, कपड़े की जो फिनिश है ना भाई, ये बात है मैं आपको सीट खोल के भी दिखाता हूँ, मतलब अभी खोल के एक बार दिखाता हूँ।
की खुल गई भाई, बढ़िया है नहीं सब, बहुत बढ़िया लगी। तो भाई अपने ये वाला काम भी हो रहा है ऑलमोस्ट खत्म, ये तो हो ही चुका है, बहुत बहुत बढ़िया फिनिश आई है भाई, 18 महीने गारंटी भी है इसमें, बहुत बढ़िया मज़ा सा आ गया। हेलो, हमारे साथ एक और प्राणी मिला, एक और हमारे दोस्त आए हैं, ये भी काम करवा रहे हैं। 4 इंडिकेटर साथ में लगवाने की कोशिश कर रहे हैं उन लोग, अगर हो जाता है तो ठीक है वरना कैंसिल करेंगे। भाई ऑलमोस्ट काम हो गया, देखते हैं बस हो जाएगा, पैक तो हो चुकी है, बस अब स्विच लगाना बाकी है, तो यहाँ पड़ा हुआ है। तो भाई अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी तो हमने देखा फिर क्विक क्विक से हो रहा है, ये वाला काम हो गया है। इसका भी फीचर सब आपको घर चल के दिखाता हूँ सारी चीज़ों का, कैसे कैसे क्या चलता है, बट हाँ स्टार्ट नहीं हो रही थी फिर हमने क्विक से स्टार्ट किया, अभी स्टार्ट रहने दिया थोड़ी देर, सही है वो थोड़ा हो जाता है क्योंकि हमने बहुत चीज़ें टेस्ट किए हैं 5-6 बार, तो इसलिए हो जाता है। तो भाई रात का थ्रो दिखाता हूँ, पहले मैं दिखाता हूँ आपको ये लाइट का, तो लाइट का कुछ ऐसा थ्रो है, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत सफिशिएंट है, मतलब आप देख सकते हो रोशनी कर दी है। एक बार मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ, पहले बंद कर देता हूँ, जैसे अभी तो एकदम अंधेरा है, ये तो इसकी लाइट और ये भी स्टार्ट नहीं है अभी, ये भी और बढ़ेगी, बट ऐसा देखा जाए तो बहुत है। अब वो स्टार्ट करके एक बार देखा, टोटल लाइट सेटअप, इसको हटा के तो उतना ही बचता है बट इसको लगा के बहुत बन जाता है, तो ये भी सही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ हैज़ार्ड का जो है, इसको बंद कर देता हूँ, और हैज़ार्ड के लिए पहले मैं एक इंडिकेटर ऑन करूँगा, इंडिकेटर ऑन हो गया, यहाँ से अपना स्विच में खोल दूँगा और दोनों हो गए, तो कुछ ऐसा लग रहा है भाई अपना हैज़ार्ड दोनों चल रहे हैं, और पीछे से दिखाऊँ तो कुछ ऐसा लग रहा है, तो लग तो अच्छा रहा है भाई, और बहुत सस्ते में काम भी हो गया अपना। प्राइसिंग की भी बात करते हैं, क्या क्या लगा, कितने का लगा, और ये बंद करने के लिए मैंने गलत कर दिया, अब जैसे कि पहले मुझे वो बंद करना पड़ेगा, अब वापस से ऑन करूँगा हो जाएगा, तो अगर मुझे बंद करना है तो पहले ये बंद करना फिर वो बंद करना, तो नॉर्मल चल जाएगा। सीट कवर की बात करूँ तो मैं लाइट ऑन करके पहले बात करूँ, भाई लाइटिंग वगैरह ऑन कर लिए, तो सीट कवर भाई बहुत अच्छी क्वालिटी का है मेरे हिसाब से तो, और इसका टर्म भी मैं आपको दिखाऊँगा थोड़े दिनों, ऐसे बहुत बढ़िया है। प्राइसिंग की बात की जाए तो भाई ये जो लाइट है ये मुझे पड़ी है 110 रुपीज़ की पर, और इसकी जो स्विच है ये मुझे पड़ा है, और ये दो के बराबर है तो इसमें मुझे एक और लगवाने की ज़रूरत नहीं है, बट ये जो पड़ा है मुझे ये पड़ा है 75 रुपीज़ का, बिकॉज ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी का है। फिर मुझे पड़ा है सीट कवर अराउंड 450 रुपीज़ का, वेस्टर्न सेगमेंट है, मतलब फटे फटे का नहीं है, इसकी 18 महीने की गारंटी है। हैज़ार्ड का मुझे देखो सिस्टम पता चल गया, उनको मैंने दिए थे 100 रुपये लगवाई दे रहा था पहले लाइट और ये सब के, बट फिर उन्होंने कहा 200 रुपये दे दीजिए, और सब उन्होंने मिक्स करके हैज़ार्ड का भी कर दिया, मेरा सस्ते में काम हो गया, मतलब 200 रुपये में हैज़ार्ड लाइट वगैरह सबका कनेक्शन हो गया, और मेरे को तो बड़ा सही लगा, क्योंकि अगर मैं हैज़ार्ड नॉर्मल कराने जा रहा था तो पर मतलब सब हटा के भी मजदूरी सिर्फ ले रहे थे 60-70 रुपये, और उन्होंने सब मतलब अपनी तरफ से बहुत अच्छे वर्क कर दिए, 100 रुपये में कर दिया, और ये मेरा रैप है रात, मतलब रात में बहुत अच्छा लगता है ये, एक मैं इसका क्लोजअप आपको दिखाता हूँ, वही ऐसा कुछ लगता है, और अभी एक सिनेमेटिक शॉट आप लोग इन्जॉय कीजिए। भाई आप लोग बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो, आपको इन्फॉर्मेशन लगी कि नहीं, इन्फॉर्मेशन अगर आप भी अपनी स्कूटी पर ऐसे कुछ काम कराएंगे तो आपके लिए पैसा सही है कि नहीं, क्योंकि अगर मैं बहुत सी कंपनियों का देखूँ, बहुत सी कंपनी तो नहीं है यार ये ऑलरेडी चाइनीज़ ही कोई कंपनी होगी, बट आई थिंक दिस विल वर्क, बिकॉज मैंने 2-3 लोगों से पूछा तो कह रहे हैं भाई चल जाती है, कौन सा तो मैं रोज़ चलाना है, रोज़ मत चलाना बिकॉज बैटरी की दिक्कत हो सकती है जैसा कि हुई थी हमारे साथ, बट वो बैटरी की दिक्कत नहीं थी एक्चुअली, में हुआ क्या था जो ये वाला ब्रेक है ये नहीं दबाया था, उसने कुछ पावर कनेक्शन मतलब टाइट वाइट ब्रेक शायद हुआ था, तो ये वाले ब्रेक से नॉर्मली स्कूटी स्टार्ट होती है, बट अगर हम इसको दबाएं तो वो स्टार्ट नहीं होगी, जब तक हम ये वाले ब्रेक को नहीं दबा रहे थे स्टार्ट नहीं होगी, बट उसको ऐसी समझ नहीं आई एंड देन ही मिसप्लेस समथिंग, तो वो कोई बात नहीं थी, बट हाँ अगर मतलब बैटरी की शॉर्टेज हो सकती है अगर ये बहुत देर तक जलाते रहो, मेनली दिस इज़ यूज़ फॉर हाईवे एंड दिस इज़ फॉर अगर आप फॉग लैंप वगैरह मतलब यूज़ कर रहे हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।